एपिसोड नंबर 388 चुंडी ने संतों से जैसा और जो कुछ भी सुना था वो सारी कथा गरुड़ को कह सुनाई। प्रभु की महिमा के सागर की गहराई माप सकना असंभव है, अतः मद मान ममता सबका त्याग कर उनका भजन करना चाहिए। ये सुनकर गरुड़ पुलकित हो जाते हैं, आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आते हैं। उन्हें जो भ्रम हुआ था उस पर पछतावा हुआ और हर्ष भी, क्योंकि वो भ्रम अब टूट चुका था। किंतु एक जिज्ञासा मन में अब भी बनी थी। काकभुशुंडी ने हजार योनियों में जन्म लिया, उन्होंने कठिन साधना की, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वरदान पाया, किंतु अपने लिए अंत में काक का शरीर ही क्यों चुना? ज्योत समर बिहत अति लघु ताल है, एहि भांति निज निज मति विलास मुनीस, हरिहि अखान ही प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहिं। गुण सागर थाह कि पावै को, संतन सन जस किछु सुने तुम्हें सुना भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तजि ममता मद मान भजिय सदा सीता। बिनु भा
भवनिधि करई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसे मोहिता, हरि कुतर्क बहु प्राता। तव स्वरूप गारुडि रघुनायक, मोहि जियायहु जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। ताहि प्रसंसि विविधि विधि, शीस नाहि कर जोरी। वचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहु। प्रभु अपने अभिवेक ते गूंझौ स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहु जानी दास निज मोहि। तुम्ह सर्वज्ञतम पारा, सुमति सुशील सरल शिव पाही, महाप्रलय हुनास तव नाही। मुधा बचर नहीं ईश्वर कहई, सो मोरे मन संशय सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दुरतिक्रम भारी। तुम्हीं न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल। ज्ञान प्रभाव की जोग बल, प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सोनाथ सब
कहू सहित अर